आप कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सिंह ढागुर है, मैं रूपबास तहसील जिला भरतपुर से आए हैं। पहले मेरे बच्चे यहाँ पेड़ लगा के गए थे, आज मुझे देख के इतनी खुशी हुई है, इन पेड़ों को सबको यहाँ जिंदा मिले हैं। यहाँ जितनी हुई, इस लड़के ने मेरे यहाँ तहसील रूपबास में कम से कम 1000 पेड़ लगाए होंगे। मैं वहाँ भी देखने की कोशिश की, देखी, कोई भी पेड़ जिंदा नहीं मिला कहीं भी। मैं बच्चे को बार बार समझाता था कि भाई तू पेड़ों को ऐसी जगह पर लगा जिससे आज पहले लगा के गए थे यहाँ से 2 महीने पहले, वो पेड़ हमने देखे तो जिंदे मिले हैं। आज हम करीब करीब 30 पेड़ दोबारा लेके आए थे, क्योंकि हम ये आए थे कि देखो पेड़ किस तरह से जिंदे हैं, क्या कर रहे हैं। आज वो हमने पेड़ लगवाए, आज उन पेड़ों को लगाया है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ईश्वर स्वर्ग यहाँ उतर रहा है अपने आप ही। बहुत 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 धन्यवाद। जगह लगा देते हैं, बहुत बहुत जगह जगह गए थे, लेकिन यहाँ यमुना मिशन जो है वो पेड़ लगाने का काम और पेड़ पालने का काम कर रहे हैं। इनका कार्य है जो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा है। बहुत धन्यवाद आपको जी। आप क्या कहना चाहते हैं यमुना मिशन के बारे में? मैं यमुना मिशन से बहुत बहुत खुश हूँ। इन्होंने यहाँ स्वर्ग बना दिया है और मुझे ऐसी आशा है कि यहाँ पर्यटक आया करेंगे, देखेंगे भविष्य में यहाँ पर्यटक आया करेंगे और आनंद ले करेंगे। बहुत बड़ा धाम बनेगा, बहुत बड़ा धाम बनेगा। अभी आपने जो जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये बंगाली कदम है, ये पूरी लाइन है, तो आप इन वृक्षों के बारे में बताइए। इन वृक्षों को आपने कब लगाया और मतलब कितने वृक्ष लगाए? पर्यावरण दिवस के दिन लगाए थे। आज हम बहुत खुश हैं, हमारे वृक्ष बहुत प्रगति कर रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं। यमुना मिशन की वजह से सुरक्षित हैं। हमने कई जगह वृक्ष लगाए तो हमारे वृक्ष वहाँ आधा आधा रेल्ट मिला है हमें सब जगह, और यहाँ हमें आधा भी नहीं मिला है साहब, हमने देखा है 100%। और यमुना मिशन बहुत बड़ा कार्य कर रहा है और खूब बढ़ रहे हैं पेड़ साहब।